vertex. Vertex of a parabola. पैराबोला में पता है जो हमने कल शेप बनाई थी, हमने कहा था कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा जो शेप लेता है जिस फिगर में बनता है उसको हम पैराबोला बोलते हैं ना। तो किसी भी पैराबोला के साथ एक पॉइंट एसोसिएटेड होता है, उसकी एक तरह से कह लो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो एक्चुअल डेफिनेशन तो मैं तुम्हें लिखवा नहीं रहा वर्टेक्स की क्या होती है, क्योंकि मैथ्स में पूरा चैप्टर अपना पैराबोला, उसमें ढंग से बात करते हैं कि एक्सिस क्या होती है, वर्टेक्स क्या होता है, ये सब चीजें हल्का सा आइडिया देता हूँ, लेकिन हम डेफिनेशन थोड़ी अलग लिखेंगे। जो हमारे इस टाइम काम की है वो लिखेंगे ताकि ज्यादा उसमें तुम्हारी दिक्कत ना पैदा हो जाए, कंफ्यूज ना हो। होता ये कि पैराबोला हमने कल ऐसे से बनाए थे, या तो ऐसा पैराबोला बनाया था या ऐसा पैराबोला बनाया था, अपवर्ड या डाउनवर्ड। लेकिन जरूरी नहीं होता कि एक्चुअली पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड ही बने। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनका पैराबोला ऐसा बन जाता है, ये वर्टिकल पैराबोला, ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला, कभी कभी पैराबोला टेढ़ा भी बन जाता है इस तरीके का। तो असल में वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी पैराबोला के लिए एक एक्सिस होती है। एक्सिस का मतलब एक ऐसी लाइन होती है जिसके अबाउट हमारा कर्व सिमेट्रिक होगा, जैसा लेफ्ट में है वैसे ही राइट में होगा। मतलब अगर एक तरह से एक्सिस पर अगर तुम एक मिरर रख दो, एक शीशा रख दो, तो इस वाले पार्ट की इमेज ये आएगा और इसकी इमेज ये आएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये पैराबोला को जहां पर कट करेगी उस पॉइंट को असल में बोलते हैं वर्टेक्स। एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है, जैसे मान लो ये पैराबोला है, इस पैराबोला में एक्सिस क्या होगी, ये वाली लाइन होगी। इस लाइन के ऊपर नीचे ग्राफ क्या है, सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये लाइन जहां पर पैराबोला को कट करेगी वो वाला पॉइंट होगा वर्टेक्स। लेकिन हमने ये पैराबोला भी पढ़ने नहीं, हमारे काम के नहीं है, इनकी इक्वेशन हम नहीं जानते अभी और ना ही फिजिक्स में काम आती है। तो इसलिए मैं पैराबोला की सॉरी वर्टेक्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं जो सिर्फ इन दोनों के लिए सही है, इनके लिए सही नहीं है, या कह लो सही है भी लेकिन एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं। एक्यूरेट ये वाली होती है जो अभी बताई है। तो इसमें लिखो द टर्निंग पॉइंट तो पैराबोला इस कॉल्ड तो हमने कहा था कि कैसा पैराबोला बनेगा, कंकेव अपवर्ड बनेगा, सीधा कटोरा बनेगा। तो मैं देखो वो हो सकता है पैराबोला एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर कट करे, एक पॉइंट पर कट करे या कट करे ही ना, वो चीज हमें कौन बताएगा, डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। यहां पर हम सिर्फ कमेंट करना चाहते हैं ए पर। तो मैं रैंडम कोई भी एक ग्राफ बना रहा हूं जो मेरा मन कर रहा है, मैंने दो पॉइंट पर कट करवा दिया, जरूरी नहीं कट करेगा वो हम जानते हैं। तो ये पैराबोला की अगर तुम प्रोजेक्टरी देखो, इसका पाथ देखो, तो क्या हो रहा है, पहले पैराबोला नीचे आ रहा था, फिर यहां पर इस पॉइंट पर टर्न करा और वापस ऊपर जाना चालू हो गया। तो असल में ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है अपने पास वर्टेक्स, जो टर्निंग पॉइंट है। और तुम चेक करो अगर एक्सिस बनाओगे तो वो एक्सिस ऐसी आएगी, इसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है, तो दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर मीट करेंगे, वही पॉइंट वर्टेक्स है। अगर हमारे पास ए नेगेटिव हो, ए नेगेटिव के केस में हम जानते हैं कि जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। तो चेक करो ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट कैसे, क्योंकि पहले ग्राफ ऊपर जा रहा था, यहां पर टर्न किया और फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स। अब पूरा का पूरा पैराबोला जो है वो हमने कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ किया हुआ है, एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ किया हुआ है। एक्स वाई प्लेन में अगर तुम कोई भी पॉइंट लो तो उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो वर्टेक्स भी तो एक्स वाई प्लेन में है ना, इसके भी तो कुछ कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो असल में वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं, जो बताए जाते हैं, वो क्या आते हैं, माइनस बी अपॉन टू ए कोमा माइनस बी अपॉन फोर ए। इसको डिराइव करने का तरीका होता है, लेकिन वो मैथ्स का पार्ट हो गया, फिजिक्स का पार्ट नहीं है, तो फिलहाल हमारा चिंता का विषय नहीं। ध्यान देना ये x, y पॉइंट लिखा हुआ है, ना कि इंटरवल लिखा हुआ है, इसको ओपन इंटरवल मत समझ लेना, ये कोऑर्डिनेट्स है,
माइनस बी अपॉन टू ए एक्स कोऑर्डिनेट है और माइनस बी अपॉन फोर ए वाई कोऑर्डिनेट है, और ये वाला पॉइंट क्या है वर्टेक्स बी, और ये वाला पॉइंट क्या है वर्टेक्स बी। ठीक है, इतनी बात पहले इतना नोट करो, इसके बाद आगे बात करते हैं। फिलहाल तुम्हें इसके कोऑर्डिनेट सिर्फ याद करने हैं, रट्टे मारने हैं, कहां से आया कैसे आया वो हमारी चिंता का विषय नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूं। इसके बाद हम बात करते हैं, तुम्हें याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक टॉपिक पढ़ा था रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। रेंज का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स, वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है, उसके कलेक्शन को उसके सेट को हम बोलते हैं रेंज, बेसिकली उसकी मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक का इंटरवल। हालांकि वो डेफिनेशन थोड़ी गलत है लेकिन चलो अभी काम चल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स की रेंज निकालना चाहते हैं कि उनकी रेंज आएगी क्या। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो लास्ट टॉपिक जो है वो है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। हम किसके बारे में बात करें, y इज इक्वल टू ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक जो जो वैल्यू अचीव कर सकता होगा अगर उनको सबको इकट्ठा करके एक जगह सेट कर दें, एक जगह ग्रुप बना दें उनका, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका उसकी रेंज कहलाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो जो वैल्यू ले सकता होगा वही वैल्यू तो वही लेगा क्योंकि वाई क्वाड्रेटिक के बराबर ही तो है। तो बेसिकली वाई की पॉसिबल वैल्यूज चाहिए। तो इसमें भी हम दो अलग अलग केस बनाते हैं। पहला केस हमारे पास ये होता है कि अगर a ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, अगर a ग्रेटर देन जीरो हो तो पॉलीनोमियल की रेंज आती है माइनस बी अपॉन फोर ए से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी पर हमेशा ओपन आता है बताया था, और माइनस बी अपॉन फोर ए का क्या आएगा क्लोज आएगा। इसको समझने की कोशिश करो, रेंज का मतलब हमने क्या कहा y की पॉसिबल वैल्यूज, y की मिनिमम वैल्यू से y की मैक्सिमम वैल्यू। तो a अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ये बनेगा ना, अब ग्राफ ये बनेगा मुझे y की पॉसिबल वैल्यूज चाहिए। तो मैं जानता हूं कि y जितना पॉइंट नीचे आएगा उतना ही उसका y छोटा होगा, जितना पॉइंट ऊपर होगा y उसका उतना ही बड़ा होगा। तो इस पूरे ग्राफ में जो लोएस्ट पॉइंट है, सबसे नीचे वाला पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, चेक करो जो वर्टेक्स है। तो इस वर्टेक्स पर जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो मिनिमम वैल्यू होगी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी माइनस बी बाई फोर ए। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, क्योंकि पैराबोला तो चलता जाएगा ऊपर ऊपर। तो जब मैं इन्फिनिटी तक पहुंच जाऊंगा तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, इन्फिनिटी। तो वाई की मिनिमम वैल्यू माइनस बी अपॉन फोर ए है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, तो इसी वजह से वाई की रेंज क्या आएगी माइनस बी बाई फोर ए से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, इतनी बात। तो यहां से हम क्या बोल देते हैं कि फॉर्मूला क्योंकि ये आया, तो मिनिमम वैल्यू यहां पर मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन फोर ए। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए भी और मैथ्स के लिए भी। अच्छा, वैसे तो वो तुमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा ही नहीं क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू बताना गलत है यहाँ पर, लेकिन अगर मान लो वो पूछ ही ले कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी है, कोई पूछ ले तुमसे, तो तुम मैक्सिमम वैल्यू कितनी बोलोगे, इन्फिनिटी। हालांकि ये बोलते नहीं है नॉर्मली मैथ्स में क्योंकि इन्फिनिटी तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, बता चुका हूं पहले, इन्फिनिटी सिर्फ और एक सिर्फ एक सिंबल है, नंबर तो है नहीं, तो वहां तक पहुंच पाएंगे नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी बोलना गलत हो जाता है, लेकिन अगर कोई पूछ ही रहे और उसको जवाब चाहिए चाहिए तो तुम क्या बोलोगे, हालांकि नॉर्मली पूछा जाता नहीं है। मिनिमम वैल्यू माइनस बी अपॉन फोर ए। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे कि अगर ए नेगेटिव हो तब क्या होगा, इफ ए इज लेस देन जीरो। अगर ए लेस देन जीरो हो अब जो रेंज आती है वो आती है हमारे पास, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है माइनस इंफिनिटी अपॉन माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस बी अपॉन फोर ए। तो इसमें क्या था, माइनस बी बाई फोर ए से इन्फिनिटी तक जाएगा, इसमें माइनस इन्फिनिटी से माइनस बी बाई फोर ए आएगा, चेक करो कैसे आएगा। दोबारा हम क्या करना चाहते हैं, हम इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं अगर ए नेगेटिव है तो। तो अगर ए नेगेटिव होगा तो इस पैराबोला का लोएस्ट पॉइंट कहां पर आएगा,
माइनस इंफिनिटी पर जाकर सबसे नीचे आएगा ना माइनस इंफिनिटी पर, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी माइनस इंफिनिटी, और हाईएस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी, हाईएस्ट पॉइंट ये, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है माइनस डी बाई फोर ए, क्योंकि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही है ना, क्या है माइनस डी बाई फोर ए, तो वाई की मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी और मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन फोर ए, तो उस वजह से ये रेंज आ जाती है। इसका मतलब हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस डी अपॉन फोर ए, तो ऐसा नहीं है कि माइनस डी अपॉन फोर ए मिनिमम वैल्यू भी है मैक्सिमम वैल्यू भी है, फॉर्मूला सेम है लेकिन चीजें अलग अलग है। अगर ए पॉजिटिव होगा तो यहां से हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी इस फॉर्मूले से, अगर ए नेगेटिव होगा तो इस फॉर्मूले से मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो डिपेंड करेगा कि ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमम वैल्यू। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं इसको, क्वेश्चन लिखो जैसे फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्स के माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। ये हमारे पास के क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x पॉलीनोमियल इट्स मिनिमम वैल्यू। तो तुम्हें क्या करना है, एक तो इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू बतानी है और वो एक्स की वैल्यू बतानी है जहां पर ये क्वाड्रेटिक मिनिमम आएगी। करो ट्राई करो, जो अभी पढ़ा है उसको समझो। वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है भाई, अर्पित आ रही है। जो भी पढ़ा है उसको एनालाइज करो कि क्या बात करी हमने, उसके बाद वैल्यू निकालने की कोशिश करो। नहीं राहुल, माइनस हाफ नहीं आंसर, और ये भी बताना है कि वाई की वैल्यू बता रहे हो एक्स की वैल्यू, सिर्फ आंसर नहीं भेजना। हमें ये चेक करना है सबसे पहले तो एक्स के का जो कोफिशियंट है वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैं देख सकता हूं कि एक्स के का जो कोफिशियंट है वो पॉजिटिव है क्योंकि वन है। अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और हमसे मांगा जाए मिनिमम वैल्यू, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस डी अपॉन फोर ए। तो y की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस डी अपॉन फोर ए, तो वैल्यू निकालनी आती है अपने को माइनस d का मतलब क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 डिवाइड में आएगा 4a, जिसमें a का मतलब 1 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1, मतलब y की मिनिमम वैल्यू माइनस 1 है। अब ठीक है, हमने आंसर तो निकाल लिया लेकिन हमें इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए कि हमने अचीव क्या करा यहां से, हम क्या कमेंट कर पाए। यहां से मुझे ये पता चला कि मैं x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, माइनस 2 माइनस 3 4 7 9 100 माइनस 100 जो तुम्हारा मन करे, रूट 7 x की इंफाइनाइट वैल्यूज मैं पुट कर सकता हूं। तो तुम x की सारी वैल्यूज पुट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, y की भी इंफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, उन सभी इंफाइनाइट वैल्यूज में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो माइनस 1। मतलब तुम यहां पर x की ऐसी कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, मतलब तुम कुछ भी कर लो ऐसा हो ही नहीं सकता कि y माइनस 1 से छोटा आ जाए, y माइनस 1 के इक्वल या उससे बड़ा ही आएगा। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है y की मिनिमम वैल्यू माइनस 1 तो आ गई, वो बात तो ठीक है, लेकिन कौन सी x की वैल्यू पुट करने से आई होगी, मतलब मैं x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं जिससे y मिनिमम आ जाए। तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा, हम जानते हैं कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है वर्टेक्स के, अगर y कोऑर्डिनेट माइनस b अपॉन 4a था तो उसी टाइम पर x कोऑर्डिनेट कितना था, माइनस बी अपॉन टू ए, तो x कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब होगा माइनस बी अपॉन टू ए, b की वैल्यू माइनस 4 है तो माइनस बी 4 होगा अपॉन 2a, यानी 2 इंटू 1, सॉल्व करके आंसर आ गया 2। यहां पर मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि x मिनिमम है, मैं ये कह रहा हूं कि x की वैल्यू 2 पुट करने से y मिनिमम आ जाएगा, चेक करके देखते हैं। मान लो मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो y कितना आएगा, y आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 3, चेक करो आंसर कितना आ गया माइनस 1।
तो मुझे पता लग रहा है कि x को 2 पुट करने से y माइनस बना रहे और वही तो चाह रहे थे। तो y की मिनिमम वैल्यू है लेकिन ये x की मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखना। x की ये वैल्यू पुट करने से y की मिनिमम वैल्यू आ रही है, ये बात अलग है। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता कि x को मिनिमम पुट करें तभी y मिनिमम आएगा, या x को मैक्सिमम पुट करें तभी y मैक्सिमम आएगा, ऐसा कतई जरूरी नहीं होता। चलो एक आध क्वेश्चन और लिख लो क्योंकि कंसेप्ट तो हो गए, बस फिजिक्स में थोड़ा यूज करना सिखा दूंगा कि फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं। तो पूछा सवाल लिखो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y is equal to minus 2x k minus 7x plus 4. Also, find the value of x with the polynomial attains its maximum value। मतलब तुम्हें इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो बतानी बतानी है, एक्स की भी वो वैल्यू बतानी है जहां पर वाई मैक्सिमम आएगा। बताओ जल्दी से क्या है, पिछले वाले सवाल की तरह करना है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर है। मैं भी क्लास पढ़ाऊंगा, पूरे टाइम तक पढ़ाऊंगा, 5-6 मिनट जल्दी पहले छोड़ दूंगा, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और फिजिक्स में यूज कैसे करते हैं वो बताऊंगा। जैसे स्ट्रेट लाइन का बताया था ना कि स्ट्रेट लाइन का फिजिक्स में कैसे यूज आएगा ग्राफ वगैरह बनाने में, वो सब कुछ तो वही यहाँ पर करेंगे। कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला लगाना है। अगर हम चेक करें यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू का मतलब एक्स के का कोफिशिएंट जो कि है माइनस टू, जो कि हम जानते हैं एक नेगेटिव नंबर है। तो अगर a नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस b अपॉन 4a। तो अगर हमें y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए माइनस b अपॉन 4a। माइनस डी का मतलब क्या होगा, माइनस सेवन का स्केयर 49, माइनस माइनस प्लस बनेगा 4 × 2 × 4 अपॉन में आएगा 4 × a। 4 × a का मतलब 4 × −2, माइनस माइनस कटेगा ऊपर बनेगा 4 × 4 = 16, 2 = 32, 50 + 31 होगा 81, आंसर आ जाएगा 81/8। तो ये y की मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब तुम x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो तुम y की इससे बड़ी वैल्यू नहीं निकाल सकते कुछ भी हो जाए। अगर हमसे पूछा जाए कि x की वैल्यू बताओ तो x की वैल्यू कितनी है कि माइनस b अपॉन 2 है, माइनस b का मतलब होगा प्लस का 7 अपॉन 2 × a का मतलब 2 × −2, तो आंसर आ जाएगा माइनस 7/4, ये आंसर। ठीक है, इसकी जल्दी से नोट करो, फिर एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं। मॉड्यूलस पढ़ा दूंगा आज, टाइम है थोड़ा बहुत, इसे मॉड्यूलस काम कर रहे हैं। हमारे फिजिक्स में क्वांटिटीज नॉर्मली पॉजिटिव ही होती हैं, तो चलो एक बार नोट करो फिर देखते हैं क्या करना चाहिए। या इसी में एक सवाल और लिखो, a range of the quadratic polynomial y is equal to 2x minus 18x, here 18x माइनस 5x माइनस 3। ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, तुम्हें इसकी रेंज बतानी है कि रेंज क्या आएगी इसकी, बताओ जल्दी से। कोई बात नहीं है, ठीक है, रेंज बताओ इस क्वाड्रेटिक की। ऊपर वाले में 7/4, हो सकता है मैंने भी प्लस माइनस की गड़बड़ करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है माइनस b अपॉन 2a, तो माइनस b प्लस 7 नहीं सही है,
क्योंकि b की वैल्यू माइनस सेवन है तो माइनस माइनस प्लस का सेवन होगा, टू इंटू ए, ए का मतलब x square का कोफिशिएंट वो माइनस टू है, तो ऊपर सेवन है नीचे माइनस फोर है, तो आंसर आएगा माइनस सेवन अपॉन फोर। सही लिखा हुआ, बिल्कुल सही है। ऊपर वाले में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किया है आपने। हाँ शिवानी वही कर रहे, डी यहाँ पर जो है ना वो डिस्क्रिमिनेट ही है, जो कैपिटल डी लिखा हुआ है वो डिस्क्रिमिनेट है, वही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो कुछ नहीं करना अपने को, हम पहले चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो टू है, और टू कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो अगर ए पॉजिटिव होगा तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, माइनस डी बाई फोर ए सी इंफिनिटी। पहले मैं माइनस डी अपॉन फोर ही निकाल लेता हूँ, कितना आ रहा है, माइनस डी का मतलब माइनस फाइव का स्क्वायर 25, माइनस फोर इंटू टू इंटू माइनस थ्री अपॉन में आएगा फोर ए, फोर ए से मतलब होगा फोर इंटू टू। सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, चार तीन बारह दो चौबीस, ये आएगा माइनस का 49 अपॉन 8। तो माइनस डी अपॉन फोर ए की वैल्यू आ गई। तो अगर ए पॉजिटिव है तो रेंज क्या है, माइनस डी अपॉन फोर ए से इंफिनिटी, रेंज आ जाएगी माइनस 49 अपॉन 8 से लेकर इंफिनिटी। ये आंसर। तो क्वाड्रेटिक में मेरी तरफ से इतना ही है, उसके बाद अब थोड़ा सा तुम्हें फिजिक्स में यूज करना सिखाता हूं, कि फिजिक्स में कैसे सवाल पूछेगा और कैसे थोड़ा बहुत यूज करना होगा। जल्दी से नोट करो। अच्छा, कोई तुम में से एग्जांपल दे सकता है क्वाड्रेटिक का, कि फिजिक्स में क्वाड्रेटिक चीज दिखती हो हमें कहीं, या पैराबोला बनता हुआ दिखता हो, नाइन टेंथ में कुछ ऐसा पढ़ो फिजिक्स से रिलेटेड, जैसे क्वेश्चन देखो फिजिक्स का क्वेश्चन। Particle in a straight line with an acceleration of 7 meters per second square. Identify the graph. Identify its ST graph. हमें बोल दिया गया कि पार्टिकल है वो उसकी कॉन्स्टेंट एसिलेशन से मूव कर रहे और उसकी एसिलेशन है कितनी, 7 meters per second के, ये हमें दिया हुआ है, सिर्फ इतना दिया हुआ है। अब तुम्हें एसपी का ग्राफ आइडेंटिफाई करना है कि मैं तीन चार ग्राफ बनाऊंगा, कौन सा ग्राफ सही है। जैसे पहला है, यहां पर मैं टाइम को बना रहा हूं, यहां पर मैं एस को बना रहा हूं, एस सबको पता है डिस्प्लेसमेंट, तो एसपी का ग्राफ बना रहा हूं मैं। ये चार ग्राफ है, तुम्हें बताना है कि इनमें से करेक्ट ग्राफ कौन सा है, एस और टी का, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, ठीक है इतनी बात। और तुम नोटिस करोगे कि कभी भी हमने वाई एक्सिस के लेफ्ट में ग्राफ नहीं बनाया, क्योंकि वाई एक्सिस के लेफ्ट में क्या हो जाएगा, टाइम नेगेटिव हो जाएगा, और टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, एटलीस्ट जब तक टाइम मशीन ना बन जाए तब तक तो नहीं हो सकता, तब तक तो हम पॉजिटिव टाइम के बारे में ही बात करेंगे। बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है,
एनालाइज करो जो तक हमने पढ़ा है और जो फिजिक्स के बारे में हम जानते हैं दोनों चीजों। नहीं हर्षवत ये नहीं होगा, शिवानी लव सही है, आप ठीक है हर्षवत। बताओ भाई बाकी लोग बताओ, नहीं वैभव ये नहीं है, दोबारा सोच, एक ही ग्राफ सही है बस इनमें से, आर्यन सही है, कर लो करना चाहो तुम। मतलब मेरा मेन मुद्दा ये है कि मैंने मैथ्स के हिसाब से तो तुम्हें क्वाड्रेटिक बता दिया, तो जिस वजह से जिस कारण से हम पढ़ रहे हैं कि ताकि फिजिक्स में मदद मिले, तो हल्का सा तुम्हें आइडिया देना चाह रहा हूं कि फिजिक्स में कैसे यूज होगा, क्योंकि फिजिक्स में तुम उस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जैसा एग्जैक्ट मैंने लिखा हुआ है। उसमें वो अलग शब्दों में पूछेगा सेम चीजें या और अलग वेरिएबल के नाम देगा, वहां पर वेरिएबल आते हैं एसपी या फोर्स आइसोलेशन ये सब कुछ। मैथ्स में हम काम करते हैं नॉर्मली एक्स और वाई में। गुरमीत सही है लेकिन एहसास निशान तुम्हारा गलत है, चेक करो दोबारा, देखो कैसे करोगे। कुछ नहीं हम जानते हैं एस और टी में, हम जानते हैं एक ही रिलेशन है और वो कौन सी रिलेशन है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जानते हैं ना हम ये चीज। अब जो क्वेश्चन है वो हमसे एस और टी में ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, एस को वो रखना चाह रहे हैं वाई एक्सिस पर, टी को वो रखना चाह रहे हैं एक्स एक्सिस पर, तो एस की जगह वाई पुट कर देंगे, जहां जहां टी लिखेगा वहां पर एक्स पुट कर देंगे। तो चेक करो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, सेवन है, तो ये बनेगा सेवन अपॉन टू टाइम का स्केल यानी एक्स का स्केल प्लस यू इंटू एक्स। मुझे नहीं पता यू की वैल्यू क्या और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, यू होगा इनिशियल वेलोसिटी जो भी हो भाड़ में गया। अब मुझे दिख रहा है y इक्वल टू सम क्वाड्रेटिक है, तो y इक्वल टू क्वाड्रेटिक आने का मतलब क्या हुआ, एक पैराबोला बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ तो वैसे नहीं बन गया, ये भी पैराबोला, ये ऐसा पैराबोला तो चाहिए नहीं होता अपने को, तो ये भी नहीं बन गया। अब मुझे पता है पैराबोला दो ही बन सकते हैं, या तो ऐसा वाला पैराबोला बनेगा या फिर ऐसा वाला पैराबोला बनेगा, ठीक है। अब ये कौन डिसाइड करता है कि लेफ्ट वाला या राइट वाला, अपवर्ड या डाउनवर्ड, वो डिसाइड करता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो कौन सा पैराबोला बनेगा, अपवर्ड वाला बनेगा, ठीक है, तो ये वाला रिजेक्ट हो गया। तो पैराबोला कायदे से तो पूरा बनना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्योंकि अब वो तो मैथ्स है, मैथ्स में तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिजिक्स में क्या है कि टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए हमने ये व्हाइट वाला पार्ट हमने नहीं बनाया, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलो इसी में एक सवाल और लिखते हैं, इन द प्रीवियस क्वेश्चन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज माइनस 3 meters per second, देन ड्रॉ इट्स बीटी ग्राफ। मतलब एक्सीलरेशन तो अपने को दिया ही हुआ है कितने, 7 meters per second स्केल, इनिशियल वेलोसिटी और दे दिया माइनस 3 meters per second। अब तुम्हें इसका वीटी ग्राफ बनाना है, जैसे एसपी ग्राफ हमने सिलेक्ट करा वैसे हमें वीटी ग्राफ बनाना है। ओके आएगा गुरमीत आंसर तो तुमने सही बोला ही हुआ ना, सी अपना तो आई क्या होगा तेरा, बस रिपीट क्या करना, आंसर सही बताया हुआ तुमने, वही आंसर है, सी आंसर है बस। नहीं अशोक चार ऑप्शन नहीं है, अब हमें बनाना है, ऑप्शन में इसे नहीं ढूंढना, ऑप्शन तो हो गया, वो तो पिछले सवाल का काम हो गया, खत्म हो गया। अब हमें वीटी ग्राफ नए सिरे से बनाना है, अपने आप बनाना है, ऑप्शंस में से ही ढूंढना। करो 2-4 मिनट का समय, जल्दी से ट्राई करो। हाँ अच्छी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, एक बार बनाकर रख लो अपना आंसर, ऑब्वियसली तुम नहीं बता सकते, जब जिसका हो जाए वो डन लिख के भेजो, जिसको लगता है कि उसका बन गया, जब काफी लोगों का बन जाएगा तो मैं बोर्ड पर बना दूंगा, फिर चेक करना कि तुम्हारा सही था गलत।
देखो कैसे करोगे, अब मुझे वी टी का ग्राफ बनाना है, तो मैं जानता हूँ कि फिजिक्स में वी और टी में ए की फॉर्मूला है और वो है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, जानते हैं हम ये बात, ठीक है। अच्छा वी तो जो है ए का मतलब एक्सीलरेशन कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है, तो यह आ जाएगा 70, और यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, -3। अब मैं बनाना चाहता हूँ वी टी का ग्राफ, यहां पर टाइम यहां पर वी। अब ऐसा नहीं कि तुम्हें दोबारा बार बार x और y में डालना पड़ेगा, तुम्हें दिख रहा है कि v y एक्सिस है, t x एक्सिस है, तो y इक्वल टू mx प्लस c हो तो n क्या होता है, स्लोप होता है ना, तो इसका स्लोप कितना आएगा, 7 के इक्वल आएगा, जितनी एक्सीलरेशन है उतना ही स्लोप आएगा इसका, स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन कैसी होगी, बढ़ती हुई लाइन होगी, ठीक है। अच्छा अगर मैं टाइम को जीरो पुट कर दूं तो v यानी y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -3 आएगा, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, 0, -3, मतलब t इक्वल टू 0 जब स्टार्ट हो रहा है, तो जो पार्टिकल है वो -3 की स्पीड से मूव कर रहे, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन तो बनेगी बनेगी क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, जानते हैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, और बढ़ती लाइन या गिरती हुई लाइन किस पर डिपेंड करती है, स्लोप पर, स्लोप पॉजिटिव है तो कैसी लाइन आएगी, बढ़ती हुई। ये हमारे पास वीटी का ग्राफ, बस इस तरीके से फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है। जो इक्वेशन दिख रही है लीनियर दिख रही है तो स्ट्रेट लाइन बना दो, क्वाड्रेटिक दिख रही है तो पैराबोला बना दो, उसमें भी फिर ये देखो कि अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला, इसमें ये देखो कि लाइन बढ़ती हुई होगी या कम होती होगी, कहां से स्टार्ट होगी, बस वो 2-3 बातें देखनी है अपने को, और बड़ी आसानी से हम ग्राफ बना सकते हैं अगर मैथ्स में एक बार बनाने आ गए अपने को। समझ में आया क्या कि नोट करना चाहो तो नोट कर लो, तुम्हारी इच्छा है, मेरे हिसाब से कर लो, ठीक है, उम्मीद बहुत बढ़िया। अच्छा बी और एस का तो तुम बना नहीं पाओगे क्योंकि मैंने सिखाया नहीं उतना तुम्हें, एस और वी का बना दो, मतलब वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी, यहां पर डिस्प्लेसमेंट और यहां पर वेलोसिटी, इसका ग्राफ बना के देखो। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिससे हम बी और एस को रिलेट करते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर ये होता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मोशन की तीसरी इक्वेशन है, लो नहीं है वो, अलग चीज होती है, इक्वेशन अलग चीज होती है, दूसरा था फिजिक्स में, मुझे आती है शर्म करो, और तुम लोग बेटे इतने पढ़कर आए हो कि मुझे तो पढ़े हुए 10 साल हो गए, चेक करो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि v और u में रिलेशन क्या होता है कि 2as इक्वल टू v² - u² इक्वेशन पढ़ते हैं, एक्सीलरेशन की वैल्यू उसने दे रखी है 7, तो 2 × a = 14 आ जाएगा, 14s = v² - u² - 3 होगा 9, तो यहां से s की वैल्यू आ जाएगी 1/14 v² - 9/14। हमें ग्राफ किसका बनाना है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का, ठीक है, सबसे पहले तो चेक करते हैं, अच्छा वेलोसिटी तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है ना, तो अभी तक तो क्या हो रहा था कि टाइम अगर है तो हमें सिर्फ इधर ग्राफ बनाना था क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज है और वेक्टर तुम्हारा टॉपिक चल रहा है तो तुम्हें पता ही है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो वो लिमिटेशन ही है। अच्छा ठीक है, पैराबोला बनेगा, पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, क्यों, क्योंकि v² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा अगर v को जीरो पुट करते, अगर मैं वेलोसिटी को जीरो पुट कर दूं तो s कितना आएगा, -9/14 आएगा, -9/14 कहां पर होगा, यहां, तो ये इस टाइप का पैराबोला बन जाएगा, ये होगा s और v का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का। तो इस ग्राफ को देखकर हमारा काफी फायदा भी हो जाता है, अब नई नई चीजें पढ़ोगे तो उससे और थोड़ी चीजें पता चलेंगी, लेकिन फायदा क्या हो रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि जब वेलोसिटी जीरो है, ये टर्निंग पॉइंट है, जब वेलोसिटी जीरो होगी तब हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही होगी, -9/14, मतलब इनिशियल पोजीशन से वो 9/14 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे अब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, मतलब पार्टिकल मूव कैसे कर रहे हैं, पार्टिकल किस तरीके से मूव कर रहे हैं, कि पहले वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही थी, सॉरी वेलोसिटी पहले बढ़ रही थी लगातार, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, धीरे धीरे कम होना चालू हुआ, एक टाइम आया डिस्प्लेसमेंट कम होता गया और उसके बाद दोबारा बढ़ना चालू हो गया,
ठीक है, ये कह रहे हैं जैसे अगर मैं वैसे फिजिक्स में जाना नहीं चाह रहा लेकिन फिर भी मान लो यहां पर ऑब्जर्वर खड़े, यहां पर मान लो तुम खड़े हो और तुमसे डिस्प्लेसमेंट दिख जाएगी, तो इस ग्राफ को देखकर मुझे क्या पता चलता है कि पहले क्या था, डिस्प्लेसमेंट बहुत कम ज्यादा था, मतलब बहुत ही दूर था, कोई इंफिनिटी पर था और उस टाइम वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा थी। अब धीरे धीरे पार्टिकल क्या रहे, वापस पीछे की तरफ आ रहे, ऑब्जर्वर की तरफ आ रहे, क्योंकि वेलोसिटी क्या नेगेटिव है ना, सॉरी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो गलत बोल गया, समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो पार्ट में मैंने कभी बताया नहीं है सर, मैथ्स का पार्ट तो नहीं। यहां पर ऑब्जर्वर खड़े तो पार्टिकल पहले बहुत दूर था, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव, पहले से ही बना रहा पार्टिकल बहुत दूर था और काफी स्पीड से वो यहां आना चालू हुआ, यहां पर आते आते उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी, मतलब सॉरी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब ये पार्टिकल आता रहा, एक टाइम ऐसा आया जब ऑब्जर्वर को भी क्रॉस कर गया, थोड़ा और आगे निकल गया, फिर ये यहां पर जाकर रुक गया, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती गई, धीरे धीरे स्पीड कम होती गई, एंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी, -9/14, मतलब -9/14 मीटर तक जाकर ये पार्टिकल यहां पर जाकर रुक गया। फिर इसने क्या किया, इस तरफ फिर आया, अब इस तरफ वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव होते ना एक्स कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी पॉजिटिव हुई, डिस्प्लेसमेंट दोबारा बढ़नी स्टार्ट हुई, मतलब यहां पर आकर वो रुका और फिर वापस मुड़ा और फिर कहां तक गया, इंफिनिटी तक। मतलब सिर्फ इस ग्राफ को देखकर हम ये बता सकते हैं कि पहले पार्टिकल इंफिनिटी पे था, बहुत दूर था, धीरे धीरे आता रहा आता रहा आता रहा, ऑब्जर्वर के पास आया, उसको क्रॉस करा, -9/14 मतलब 9/14 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल करके आगे यहां पर रुका, फिर मुंडन चालू करा और फिर वहां पर वापस गया। ये पूरी कहानी हम सिर्फ एक ग्राफ से बता सकते हैं कि ये कहानी हो रही है यहां पर, तो ग्राफ्स का फायदा ही होता है। कहानियां और भी बता सकते हैं इसके बारे में, कुछ और भी बातें बता सकते हैं लेकिन वो फिजिक्स में तुम्हें पढ़ाएंगे। एक और एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा कहां यूज आएगा बस फिर क्लास खत्म करते हैं। फिजिक्स में अभी तुम पढ़ने वाले हो, फिजिक्स में पहला चैप्टर तुम्हारा काइनेमेटिक्स आएगा, उसमें तुम मोशन वगैरह के बारे में पढ़ोगे, मोशन में तुम पढ़ोगे, मोशन दो तीन टाइप के होते हैं, जैसे एक तो होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वगैरह तो हो गया, एक होता है मोशन एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे ये मोशन जो था वो स्ट्रेट लाइन में था, पार्टिकल या तो लेफ्ट में जा सकता है या राइट में, वन डायमेंशनल था, ठीक है। लेकिन मान लो एज्यूम करो मैं एक बॉल है, वो बॉल फेंकता हूं इस तरीके से, तो बॉल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है, मान लो तुम इस तरीके से बॉल फेंको, तो बॉल ऐसी तो है ना कि ऐसे जाएगी और ऐसे गिर जाएगी सीधा, तो बॉल का कभी भी कुछ भी थ्रो करके देखना तो बॉल कैसे जाती है, बॉल किस तरीके से जाती है, ये वाली शेप बनाती है, तो ये जो शेप बनाती है ना, अगर जैसे मान लो तुम बॉल को फेंको और उसने जो पाथ बनाया, या मार्कर को फेंको उसने जो पाथ बनाया, वो जो पाथ बनता है वो पैराबोला बनता है, और अगर हमें पैराबोला की इक्वेशन पता होगी और उसके में काम करना आता होगा तो हमारा काफी जीवन आसान हो जाएगा। तो वहां पर भी ये चीज मिलती है, जब दो डायमेंशन में कोई बॉडी मूव करती है, अंडर ग्रेविटी मूव करती है, क्योंकि क्या होता है अगर तुम बॉडी को थ्रो कर रहे हो, एक तो तुम्हारा फोर्स तो लगा ही लगा जो तुमने इसको एक्सेलरेशन दी इस तरीके से, लेकिन साथ के साथ ग्रेविटी काम कर रही है, उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, तो पार्टिकल क्या होता है धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करते हैं और मैक्सिमम हाइट अचीव करके नीचे आना चालू रहते हैं। अब ये जो पॉइंट है, जो ये टर्निंग पॉइंट है, एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली ये वर्टेक्स का, ये पैराबोला का वर्टेक्स ही तो हुआ ना, उसका टर्निंग पॉइंट हुआ, तो वर्टेक्स से भी रिलेट हो गया। तुम इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, -b/2a, -b/4a, तो y कोऑर्डिनेट पता चल गया तुम्हें, तो तुम्हें ये पता चल गया कि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक कितना जाएगा। मान लो तुम्हें सवाल दिया गया कि एक बॉल फेंकी हमने, वो बॉल की ट्रेजेक्ट्री है, तो बॉल पहले कुछ देर तक ऊपर जाएगी फिर नीचे आना चालू होगी, तो मैक्सिमम कहां तक ऊपर गई होगी, वो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी रही होगी ग्राउंड से, वो हम डायरेक्ट बता सकते हैं वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट। तो उन चीजों को रिलेट करके पढ़ने में कुछ कुछ मदद मिल जाती है मैथ्स की वजह से। बाकी आज के लिए इतना ही, ये सब चीजें तुम फिजिक्स में पढ़ोगे ऑब्वियसली, और थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ोगे, लेकिन मैथ्स वाला काम मैंने तुम्हें सिखा दिया। नेक्स्ट वीक से यानी मंडे से हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, मतलब बेसिकली कैलकुलस, उनका मतलब क्या होता है, फॉर्मूले क्या है, वो सब बात, ठीक है।